छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव व जन सेवा समिति के द्वारा गणेश उत्सव पर्व हर्ष उल्लास व पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन कर सेक्टर 10 में मनाया जा रहा है। यहां बने वृहद पंडाल में श्रद्धालुओं के मनोरंजन हेतु समिति द्वारा फिश टनल एक्वेरियम भी लगाया गया है, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव व जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में गणेश चतुर्थी पर्व हर्ष और उल्लास के साथ सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में मनाया जा रहा है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है, जिसकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना रोजाना की जा रही है। समिति ने इस वर्ष भगवान की विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं के दर्शन लाभ के लिए विराजित जहां की है, साथ ही विशाल झांकी यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आकर्षक झांकी के तौर पर श्रद्धालुओं के आनंद उठाने के लिए फिश टनल एक्वेरियम भी लगाया गया है। बताना चाहेंगे, इस फिश टनल एक्वेरियम को देखने रोजाना हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पहुँच रही है। रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियों से सजा टनल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। निर्माणाधीन और लगे टनल का निरीक्षण करने पुलिस प्रशासन का अमला भी यहां पर पहुंचा। निरीक्षण करने के पश्चात उचित दिशा निर्देश यहां पर दिए गए, साथ ही यातायात को लेकर के भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। गणेश पंडाल है, वहाँ पे आयोजक समिति को बताया जा रहा है कि जो निर्धारित पार्किंग स्थल है वहीं पे अपने गाड़ियों को खड़े कराएं, वॉलेंटियर्स रखें और सभी को विशिल दें, सेफ्टी जैकेट दें और किसी भी प्रकार की जाम की स्थिति निर्मित ना हो और ट्रैफिक रेगुलेटर है सभी को निर्देशित किया जा रहा है। हम लोग एडिशनल स्पेशल के साथ पूरा भ्रमण कर रहे हैं और आने वाले समय में और भीड़ होगी, जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी तो ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जाएगा, स्टॉपर भी छोड़ा जा रहा है और ट्रैफिक के बल भी लगाया। नहीं, ऐसा प्लानिंग नहीं है, वन वे दोनों तरफ का ट्रैफिक चलेगा और जाम की स्थिति निर्मित ना हो उसका पूरा ध्यान रखा। देखिए, यहाँ पे गणेश पूजा के तारतम्य में जो भी व्यवस्था की गई है उसके निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था में जो भी खामियाँ होगी उसकी पूरी सीसीटीवी कैमरा लगाने, वॉलेंटियर्स की व्यवस्था करने और अन्य जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उसके संदर्भ में निरीक्षण करने आए हैं एडिशनल साहब के साथ में, और निरीक्षण करके जो भी आवश्यक निर्देश हैं जो यहाँ के आयोजक हैं उनको दिया जा रहा है और आवश्यक व्यवस्था करने को उनको उसके संबंध में जो भी आवश्यक निर्देश है, परमिशन वगैरह की जो भी बातें हैं इनको हम बताए रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी इनको व्यवस्था करनी है। इस वर्ष हमारे द्वारा एक फिश टनल का निर्माण किया गया है, वो समिति और हमारे सुभाष सभरवाल की टीम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मछलियाँ की अनेक प्रजाति जो लेके आया गया है और कुछ मछलियाँ जो आ रही हैं ये कल या परसों तक हो सकता है, काम अभी चल रहा है, प्रयास जारी है। जो फिश टनल का संचालन कर रहे हैं उनके द्वारा जो तारे बहुत खुली अवस्था में थी या फिर मतलब जर्जर हो गए थे उनको बदल के मतलब करंट की जो स्थिति है उसको नकारते हुए अपन कैसा काम करें दुर्घटना ना हो। ठीक, बप्पा से क्या कामना करते हैं? भगवान से ही कामना करते हैं कि सबको सुख संपत्ति और शांति प्रदान करे, हमारा देश में शांति रहे। हम लोग दुर्ग जिले से आते हैं और ये कार्यक्रम जिलाई जगह 10 में हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र एकदम आखिरी लाइन बोलो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है दुर्ग जिले के अंतर्गत सेक्टर 10 जिलाई में सेक्टर 10 आता है और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ शांति का वातावरण है, पूरे देश में शांति रहे, माहौल रहे, हर्ष का उल्लास रहे और गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री गणेश। बहुत बढ़िया था, मज़ा आया। देखिए, टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन की है। सेटिस्फाई हो? हाँ, ठीक है, बढ़िया है, पर काफ़ी टर्मिनल खाली हैं और 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। 7 मेंबर आए, 700 रुपीज़ दिए। 700 रुपये देकर आपने फिश टनल देखा। जी मैम। 10 सेंट्रल एवेन्यू गणेश पंडाल के पास लगे फिश टनल एक्वेरियम को लेकर टनल के संचालक ने जानकारी दी और शहरवासियों से ज़्यादा पहुंचने की अपील भी की। आपके शहर में मोबाइल फिश टनल एक्वेरियम जो आया है पूरे वर्ल्ड की मछलियों को इकट्ठा करके मोबाइल ऐसे वर्ल्ड लाया गया है और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा भिलाई शहर में पहली बार, और ये फिश टनल जो आपके शहर में गणेश पूजा से लेके नवरात्र पूजा तक 13 अक्टूबर तक आपके लिए शुरू रहेगा
अपने पूरे परिवार यार दोस्तों के साथ आएं, एक बार अवश्य पधारें और फिश टैनल शो को देखना ना भूलें। अभी दो दिन के बाद 40 कार्टून अभी आ रहे हैं, हर हफ्ते पर वीक यहाँ पर कम से कम 50 कार्टून नई नई मछली आती रहती हैं, क्योंकि हमारे इस समय पूरे भारत में 6 जगह ये प्रोग्राम शुरू है और पूरे भारत की जनता का हमें प्रतिसाद मिल रहा है। और आज दूसरे दिन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में भिलाई शहर की जनता का जो प्रतिसाद हमें मिला है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि अपने परिवार के साथ फिश चैनल शो देखना ना भूलें। 13 अक्टूबर तक आपके शहर में ये शो शुरू रहेगा। धन्यवाद। आपका परिचय सुभाष। बहरहाल रोजाना यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी जा रही है। विघ्नहर्ता के दर्शन कर फिश टनल एक्वेरियम का आनंद भी यहां पहुंचे श्रद्धालु उठाते देखे जा रहे हैं। इसी न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।